फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल भावना फैम टॉक। तो कैसे हो आप लोग? तो फ्रेंड्स, अभी जो है एक व्लॉग एंड करके हटी हूँ, लेकिन आज वो शायद पता नहीं अपलोड हो पाए या नहीं हो पाएगा दूसरे चैनल पे, तो सोचा चलो इस चैनल का व्लॉग तो मैं अपलोड कर ही दूँगी। अभी जो है बस थोड़ा सा घर को मैंने अरेंज करा है, और शाम को जो है मुझे झाड़ू पोछा करना ही पड़ता है एक बार और, जैसा कि कूपर है मेरे पास और बहुत ज़्यादा जो है गंदा कर देता है। तो आज जो है ना, मैं इस व्लॉग के अंदर अपने सारे घर के जितने भी मैंने जो चीज़ें ली हैं उनके लिंक्स डालने वाली हूँ। तसल्ली से बैठ के लिंक डालूंगी उनमें, चाहे वो ये कुशन्स हो, चाहे वो ये वाइट वाले फर वाले कुशन्स हो, ये वाला पिलो कवर हो, चाहे मेरे जो सामने कर्टन्स का लिंक हो, वो कोट्स हो, चाहे जो है इधर वाले ये कुशन्स हो, मैट हो, ये वाले कोट्स हो जो मैंने अंदर यूज़ किए हैं वो हो, और साथ में मेरा ड्रायर जो है क्लोथिंग ड्रायर वो वाला हो, और रैक हो किचन का, इन सब के जो लिंक्स हैं, जो भी सारे प्रोडक्ट्स मैंने इस बार लिए थे सबके लिंक इस वीडियो के अंदर मैं डालने वाली हूँ। मेरे से बहुत ज़्यादा जो है रिक्वेस्ट आती रहती है, आप मुझे लिंक दे दो, तो मैं एक एक को लिंक एक एक मैसेज में नहीं दे पाती हूँ। और शायद मैंने व्लॉग के अंदर जब मैंने किया था तो मैंने लिंक शायद नहीं दिए थे वहाँ पर, तो रीज़न यही था कि सब लोग मुझसे मांग भी रहे थे। तो जितने भी जो भी मैंने सभी चीज़ें ली है ना, इनके सबके लिंक आज मैं इस व्लॉग के अंदर डालूंगी। डिनर में अभी सोच रही हूँ मैं क्या बनाऊँ, कुछ लाइट सा ही बनाने का मूड है, बहुत ज़्यादा कुछ हेवी वेवी खाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा है। अब लाइट से मैं क्या बनाया जाए वो तो अब किचन में घुस के ही मुझे पता चलेगा कि मेरा एकदम से क्या मन करता है बनाने का। बहुत दिनों से आपको बोल रही थी सोफ़ा कम बेड की, जो मेरे को चाहिए था वो मुझे मिल ही नहीं पाया, ना वो अमेज़ॉन पर मिला ना वो फ्लिपकार्ट पर मिला, फ्लिपकार्ट पे भी नहीं था वो, और अमेज़ॉन पे तो 4-5 बार वो कैंसिल हो गया था। तो अब मैंने अपना जो है दिमाग चेंज कर दिया और मैंने एक दूसरा सोफ़ा कम बेड मंगाया जो उससे डबल या ट्रिपल रेट में है। यानी जो मैं पहले सोफ़ा कम बेड मंगा रही थी वो 6 या 7 हज़ार का था, जो इस बार मैं सोफ़ा कम बेड मंगा रही हूँ वो शायद 17 हज़ार का है। तो 17,000 या 18,000 के लगभग वो सोफ़ा कम बेड है, काफ़ी बढ़िया वाला मैंने मंगाया, सॉलिड एकदम। तो वो तो आई थिंक, मुझे लग रहा है मैंने ऑनलाइन अभी मंगाया तो शायद परसों तक आ रहा है कि शायद आ जाए। तो इस बार शायद अमेज़ॉन वाले कुछ मेरे साथ इस तरह की हरकतें ना करें, और तरीके से अगर भेज देंगे प्रोडक्ट तो बहुत अच्छी बात है। तो बहुत सारे लोगों के व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं मुझे पीछे, तो अच्छी बात है, बस वही मैं वेट कर रही हूँ आ जाएगा, क्योंकि मेरी जो है ना कमर टूट चुकी है बुरी तरह से इस सोफ़े के ऊपर सो के मैं नहीं सो पाती हूँ उसके ऊपर। बहुत छोटा सा है इसका जो ये एरिया है, बहुत छोटा है, और मैं इतनी भी छोटी नहीं हूँ कि मैं इसके ऊपर आ जाऊँ, क्योंकि करवट लेने में प्रॉब्लम होती है। दूसरा अंदर वाले बेड के ऊपर मैं बिल्कुल सो ही नहीं पा रही थी, क्योंकि मैंने वहाँ गद्दे वद्दे डाल तो दिए हैं लेकिन वहाँ गर्मी होती है तो कोई नहीं सोता वहाँ पर। तो अब नीचे भी मैंने अब सोना बंद कर दिया था, क्योंकि हमारे यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे मैंने देखा एक दिन जो है चींटियाँ, छोटी छोटी चींटियों की बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, कहीं कहीं से चींटियाँ निकल के आ जाती हैं। तो एक दिन मेरे काट गई थी बहुत ज़ोर से पैर के ऊपर, मुझे इतना बड़ा रेड कलर का मार्क हो गया था। तो मुझे डर लगता है यहाँ चींटी कभी कभी कहीं से निकल के आ जाती हैं, चींटियाँ तो बहुत निकलती हैं, तो यही जो है मेरे को डर लगता है फिर कुछ खा लेगी, इसलिए मैं ऊपर ही सो रही हूँ, नीचे नहीं सो रही हूँ। तो अभी वो मंगाया, देखते हैं यार अब वो सही सलामत आ जाए। इतने दिन से जो एक वो मेरा बना हुआ था जिसके लिए मैंने कुशन्स मंगा लिए, सब कुछ मंगा लिया, सोफ़ा ही नहीं आया था, बस बाकी सब सामान आ गया था। तो कूपर जो है आजकल आवाज़ें निकाल रहा है, अजीब अजीब आवाज़ें निकाल रहा है वो, अभी भी मुझे साउंड आई है, कुछ आवाज़ निकालता है आजकल, वो हस्की की तरह करने लगा है। वो हस्की डॉग्स होते हैं ना, वो बोलने वाले कुत्ते, आजकल इस लैब्रा के अंदर भी हस्की की आत्मा आ गई है, वो भी बोलना शुरू कर दिया उसने, वो कुछ कुछ आजकल कर रहा है। देखो मतलब कुछ भी ना, मतलब कुछ सेटिंग तो रहने नहीं देनी है तूने, ले आया आवाजें क्यों निकाल रहा है आजकल वो अजीब अजीब सी भूतों वाली आवाजें। ये देखो, नहीं दूंगी मैं मैट, नहीं दे रही मैं मैट, नहीं दूंगी, क्यों लेकर आता बार बार उठा के मैट, नहीं नहीं दे रही, क्यों दू, बैठ जा आराम से, सिट डाउन, आई से सिट डाउन कूपर,
down. Good boy. Sit down. अच्छे से बैठ जा. नहीं सुनाई दे रहा. Sit down. कराओ मस्ती. कराओ मस्ती. कराओ. कराओ मस्ती. हाँ कराओ. कराओ मस्ती. बहुत आ रहा है, मजे में आ रहा है. बैठ जाओ चुपचाप. ओ ये दिखा रही थी मैं आपको. हट जा. हट हट जा. पीछे जा. बैठ जा. यप गुड बॉय. स्लीप ऊपर. स्लीप ऊपर. कुछ भी कुछ भी. कुछ भी मतलब कुछ भी चलता है तेरे लिए. दूर होके बैठ. मैं देख नोजील. हट जा तू ऊपर. दूर हो जा मुझसे. दूर उधर जाके बैठ. उधर जाके बैठ. उधर जाके बैठ. पहले हट, मेरे को काम करना है. उधर जाके बैठ. दिखाने दे पहले मेरे को. तो मैं आपको दिखाती हूँ ये. अच्छा ले गया वो ऊपर. नो कूपर. कूपर शैतानी कर रहे. दे इधर. गलत बात. कूपर हट जा. देख बताऊं मैं. कूपर इधर बैठ. इधर आ जा कूपर. देखो सारा कर दिया खराब. तो ये जो है ना, ये इसके अंदर से निकले हैं. नहीं दूसरा नहीं दूंगी. हट जा. दूसरा नहीं दूंगी. बैठ जा उधर ऊपर. वहां से हट जा. अभी अभी पानी की बोतल आई है तो मेरे पास ये वाली. मैं पानी की बोतल्स लेती हूँ यहाँ पे. अभी जस्ट वो देखे गया भैया. और ये एंगल है और ये इसके अंदर टाइट रिबन का है गिफ्ट रैप. तो मैं आपको दिखाती हूँ. थक के बैठ गया अभी ये. देखो इसकी आँखें छोड़ दिया इसने. हर एक चीज उसको फाड़नी होती है. अब नजर में है इसकी, लेकिन देखना कैसे आंखें इसकी चल रही हैं. बिटर बिटर नजर इसी पे है इसकी. ओए फिर टांग तो देखो जरा कैसे रख के बैठता है. हीरो है ना. टांग एक निकाल के बैठता है. तो ये रे मैंने अभी खोल के दिखा रही थी आपको. इसके अंदर ये हैं. इनके अंदर ना कैंडल्स जलाई जाएंगी. बहुत ब्यूटीफुल लगने वाले हैं ये. ये मेरे पहले वाले घर में भी थे. ये मैंने लगा रखे थे वॉल पे. आपको पता होगा दिया स्टैंड इस तरीके से. और इसके साथ कैंडल्स भी आई हैं आई थिंक. ये री लगाते हैं. इसके लिए तो कीलें चाहिए. देखती हूँ मैं. कील वील पड़ी है अगर तो कोई कील लगाते हैं फिर इसको लगाएंगे. बहू कुबर. बहू बहू क्या है ये. बहू बहू है. बहू क्या है ये. कुबर बहू आ गया. कुबर बहू लगाएं. इसको लगाएं. कि अभी मेरे पास घर में इसको लगाने के लिए कीलें नहीं है क्योंकि इसको तो कील ही टिका सकती है. क्योंकि इसमें इस तरह का जो है होल्डर बना हुआ है तो दो इसके लिए हैवी कीलें चाहिए लगाने को. और कीलों के बाद क्योंकि इसमें जो है सारे ग्लास हैं वो कांच के ग्लास हैं वो जो लगेंगे जिसमें कैंडल्स
बहुत ब्यूटीफुल लगने वाली है लगने के बाद। तो ये बॉक्स था, इसका भी लिंक जो है आज मैं डाल दूंगी और इस क्लोथ का भी लिंक मैं डाल दूंगी। सारे लिंक जो है आज इस वीडियो में आपको अमेज़ॉन के मिल जाएंगे, सारे प्रोडक्ट्स के जितने भी आप लोग पूछते रहते हो ना मेरे से, मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता अलग अलग वीडियोज़ में लिंक डालना, तो मैं एक में कोशिश करूँगी, देन उसके बाद मैं पोस्ट भी कर दूंगी वो सारे लिंक्स, ताकि आप लोगों को आराम से मिल जाए वो सारे प्रोडक्ट्स के लिंक। तो अभी मैं देखती हूँ अगर कील मिलती है तो लगाती हूँ, नहीं तो फिर मैं पहले बनाती हूँ डिनर, क्योंकि आपको मैं एक चीज़ दिखाती हूँ। ये चल रहा है एसी और ये बैठा है कूपर, आराम से इसकी ज़िंदगी कट रही है। कूपर सुन ले, भाव इतने खाता है, ओहो एक्टिंग तो इतनी इसकी चालू रहती है ना आजकल, पूछो मत। बाय तू, तू क्या खाएगा, रोटी खाएगा। बैठ जा आराम से, ऊपर तो गाइस ये कैसा लग रहा है लाइट्स, ये मैंने आज इसके अंदर दिया जला दिए हैं, लगा दिया है, ये मुझे बहुत खूबसूरत लगते हैं ये दियाज। आई होप आपको भी अच्छे लग रहे होंगे ये। अभी सारी लाइट्स ऑफ हैं, कूपर भी देख रहा है, तो इसको आज हम जला के रखेंगे जब तक ये कैंडल्स जलती ही रहेंगी। कैसा लगा कूपर, अच्छी लगी लाइट्स, मम्मा ने अच्छा काम किया, गुड बॉय। चलो भाई अब हम खाते हैं खाना।
जो 2 कीलें पा गई थी, तो मैंने सोचा चलो यार आज थोड़ा सा अरेंज किया जाए, इसको लगाया जाए। बहुत दिनों से पड़े हुए थे ये, मैंने खरीद तो लिए थे बहुत दिन पहले ही दियाज, लेकिन लगाए नहीं थे। तो जो पहले वाले दियाज थे ना, उनमें ये नहीं थे, रेड एंड येलो हैं जो, ये इस तरह से नहीं थे, वो ग्लास जो था ट्रांसपेरेंट थे। तो इसका जो लुक है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा आता है, और इसका भी लिंक मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, सारे कोड्स का सबका आज आपको मिल जाएगा। तो चलो अब जो है, आज मैं सोच रही हूँ मैगी ही खाऊंगी, और वेजिटेबल वाली मैगी बनाई जाए वो ही खाने वाली हूँ। तो चलिए अब मैं बनाने वाली हूँ, और कूपर तो अपना पेडिग्री ही खाएगा। कूपर बच्चा मस्त है आज मम्मा के साथ, मस्त मौला हो रखा है आज, ये बहुत खुश हो रहा है। तो इसको हम साइड में रख देते हैं, अब हमारे ट्राईपॉड का काम जो है ख़त्म हो चुका है। ठीक है कूपर, बाय बाय। चलो चले भाई हम लोग किचन में। अब मैगी बन चुकी है मेरी, हल्की सी सूपी सूपी ही रहने दूंगी मैं, इसी तरीके से खाने वाली हूँ। गाइज ये ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ, फिर कल मिलूंगी आप लोगों से नए ब्लॉग में।